गुड आफ्टरनून भाइयों, आज साहिल सचिन व्लॉग्स पे एक ऐसा शो हम एंकर करने जा रहे हैं जहां पे एक ऐसा ब्रांड हम उसकी लॉन्चिंग करने जा रहे हैं कुछ प्रोडक्ट्स की, जो कि पहले से ही अपना नाम बना चुका है इन द इंडस्ट्री ऑफ क्लोदिंग। गुजरात टाइटन, यस गुजरात टाइटन्स के लिए उन्होंने अभी टी शर्ट्स बनाई हैं हार्दिक पांड्या के लिए, और अब वो जहां क्रिकेट इतनी बढ़ रही है तो इतने बड़े बड़े दिग्गज क्यों नहीं लेके आएंगे बैट्स, ग्लव्स, लेग गार्ड्स। तो आज हम इस शो में ईएम ब्रांड के जो बैट्स है कश्मीर विलो, लेग गार्ड और जो ग्लव्स हमारे तक पहुंचे हैं वो हम आपको दिखाएंगे, क्या उसमें खास है जो ये दिग्गज कंपनी ने लॉन्च किया, क्या नया लॉन्च किया इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। क्यों सच सचिन भाई, बिल्कुल क्या कहते हो? बिल्कुल भाई, और मैं दोस्तों ये बताना चाहूंगा, मैं और साहिल भाई दोनों ब्रांड कॉन्शियस हैं, दो साहिल भाई और मैं दोनों ईएम ब्रांड के लोअर और टी शर्ट यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने ईएम का टी शर्ट डाला हुआ है, बहुत 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 अच्छा स्टफ है, बहुत कंफर्टेबल स्टफ है, बहुत प्यारा स्टफ है, और हमारे बहुत सारे यूजर्स जो हमारे सब्सक्राइबर हैं या हमारे भाई हैं वो ऑलरेडी इस ब्रांड को यूज कर भी रहे हैं। गुजरात टाइटन्स के ऑफिशियल क्लोथिंग पार्टनर ही रह चुके हैं, हमने खुद हार्दिक पांड्या के लिए वहाँ जर्सी बनती हुई देखी है, हमने बहुत फाइट करी कि हमें एक वो जर्सी, वैसी जर्सी मिल जाए, बट वो ऑफिशियली नहीं दे सकते थे तो वो उनके लिए लिमिटेशंस थी, एंड विच वी रिस्पेक्ट दैट। मोरओवर हमारे आउटलेट में पूरा एक सेक्शन है क्लोथिंग का, और जो हमारे पास नॉन क्रिकेटर्स दोस्त भी आते हैं या जो कस्टमर्स भी आते हैं उन्होंने भी इस ब्रांड को बहुत अप्रिशिएट किया क्लोथिंग में। लेट अस सी व्हाट हैव दे बॉट इन बैट्स, ग्लव्स एंड लेग गार्ड्स। सचिन भाई अगर क्लोज अप से आए भैया, जरा एक मिनट, अगर हम डिजाइन देखें इट्स फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल, वाकई में भाई बहुत अच्छा। देखो आजकल ये इन ट्रेंड है, इसको हम कट फिंगर ग्लव्स कहते हैं, कट फिंगर भी है, और ये भाई स्नेक लेदर डिजाइन आ गया जो भी है, मतलब अगर हम ये देखें सबसे पहले इनोवेटिव कलर कॉम्बिनेशन है, ब्लैक विद सरपेंट जो ये कॉम्बिनेशन आ रहा है विद गोल्डन ईएम लिखा हुआ है गोल्डन लाइनिंग के साथ, इट मेक्स इट मोर इंग्लिश, मोर रॉयल। अगर आप यहाँ देखेंगे फ्लोरोसेंट कलर भाई आजकल बहुत पॉपुलर है विद इंडियन ब्लू, अगेन वेरी इनोवेटिव। अगेन यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे वही सरपेंट में सी ब्लू में कलर में विद ऑरेंज, ऑल कलर्स जो उन्होंने पिक किए हैं भाई, इंग्लिश कलर और यू नो ब्यूटीफुल कॉम्बी है। जी देखो क्या ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बनाया, डिजाइनिंग बहुत गजब की है, डिजाइनिंग के साथ साथ स्टफ और क्वालिटी पे भी पूरा इन्होंने ध्यान फोकस किया है। डिटेल में इसका रिव्यू करते हैं, शुरू करते हैं बैट किससे शुरू करें भाई? भाई आप उधर से बैट उठाओ, मैं इधर से शुरू होता हूँ। ठीक है भाई, तो सबसे पहले जो मुझे बैट उठाते ही बैट मुझे 40,000 का लग रहा है भाई। ठीक बात है भाई, अगर हम भाई को 40,000 का लगा, थोड़ा कम बताया इन्होंने, वैसे कश्मीर विलो बैट है, जस्ट किडिंग, 4129 इसकी एमआरपी है। फुल प्रोफाइल में ये बैट है, इस प्रोफाइल कश्मीर विलो में ऐसा प्रोफाइल बनाना एक बहुत करेज की बात है, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा यू नो हैवी हो जाएगा और नीचे फॉल करेगा वेट, तो इस अगेन 1180 ग्राम्स में बनाना बैट को कश्मीर विलो में विद दिस प्रोफाइल, कुडोज टू द ईएम टीम। और अगर मैं इसकी टो की भी बात करूँ, 30 mm टो होगा, एजेस इसके टचिंग 41-42 आराम से होंगे सचिन भाई, रियली, और 65 के करीब स्पाइन है, बहुत 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 मिनिमल कॉनकेविंग इन्होंने दिए ताकि बैलेंस को मेंटेन रख सकें। जस्ट सी द फेस, जीटी एक्सक्लूसिव एलीट बैट का नाम है, एंड लेट अस चेक द पिंक। सॉरी पिंक से पहले एक और इनोवेशन, ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्डन एंड वाइट इन द ग्रिप ऑल्सो, लेट अस चेक द पिंक जो उसके स्टिकर के कलर को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल, कांग्रेचुलेशंस टू वनीत भैया एंड दिवांश फ्रॉम आवर साइड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। ये बैट मैं ऑलरेडी इसकी झलक दिखा चुका हूँ आपको इंस्टाग्राम पे। अब जैसा साहिल भाई ने कहा कि देखो कलर कॉम्बिनेशन, ग्रिप का कलर कॉम्बिनेशन ब्यूटीफुल, बहुत 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 प्यारा,
बिल्कुल अगेन इस बैट में भी बहुत मिनिमल या ना के बराबर कॉनकेविंग है, ग्रेड वन का कश्मीर विलो बैट है, मॉडल नेम है जीटी 1.0, 1190 ग्राम्स में बैट है। बेस्ट पार्ट क्या है कि अभी तक जो हम मैक्सिमम कश्मीर विलो बैट्स देखे हैं, बहुत रेयर बैट्स में आप ऐसा होता है कि जो विदाउट कॉनकेविंग होते हैं, इन चारों बैट या छः बैट्स हम रिव्यू कर रहे हैं, हार्डली किसी में बहुत ज़्यादा कॉनकेविंग होगी, बहुत माइनर कॉनकेविंग। 1190 ग्राम में बैट है, आप देखिए ग्रेंज आपको क्लियरली विजिबल हो रही हैं, बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि ये इंग्लिश सॉरी कश्मीर विलो बैट है। प्राइसिंग 3420 इसका MRP है, और मैं आपको जल्दी से इसका पिंग अगर दिखाऊं, बॉल प्लीज हो, इसका हम पिंग देखते हैं, ये लो, बहुत प्यारा साउंड है, दो ये बैट बिक चुका है, बट रिव्यू कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि इंस्टा पे डाला था तो भाई कोई रुकता नहीं था। पिंग से शुरू करता हूँ भाई, इनका जो 2.0 बैट है, पिंग आप देख चुके हैं भाई, तो ये बैट है EM का GT लिमिटेड एडिशन 1.0, अगेन ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक के साथ, अगर वो वाला व्हाइट के साथ था बैकग्राउंड, ये ब्लैक के साथ है, और गोल्डन कलर कॉम्बिनेशन वही ब्लैक और गोल्डन का है, और प्राइस है इस बैट का 3749। फुल प्रोफाइल बैट है, अगर आप देखेंगे बहुत मिनिमल कॉनकेविंग है बैट में, 1190 ग्राम्स में ये बैट है। सो ओवर इन ऑल अगर हम सचिन भाई बैट्स की बात करें, तो जो मुझे स्पेशल एक स्पेशलिटी लगी है कि मोटे बैट विदाउट कॉनकेविंग जो बैलेंस मेंटेन किया है बैट का, अगर हम कश्मीर विलो के एंगल से, और वेट भी वेट मेंटेन किया बिलो 1200 ग्राम, बिलो 1200 ग्राम, दैट टू विदाउट कॉनकेविंग और वेरी लेस कॉनकेविंग। तो दोस्तों अभी हमने तीन बैट्स रिव्यू किए हैं, जो रिमेनिंग थ्री है वो इंस्टाग्राम पे उनकी रील्स मिलेंगी। जल्दी से क्विकली भाई ग्लव भी, भाई ये ग्लव बहुत टेंपटिंग लग रहा है, मैं ये करना चाह रहा था, प्लीज भाई प्लीज। अगर मैं इस ग्लव की इस एक बात बोलूं, ये कट फिंगर ग्लव्स बहुत इजी होते हैं, यू नो हाथ में डालते ही ग्रिप बना लेते हैं, तो ये मोर प्रेफर करते हैं प्लेयर्स इस ग्लव्स को यूज़ करना। इसमें जो एक खास बात दी है कि अगर आप यहाँ पे देखें, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिंग फिंगर के लिए दी गई, अगर बॉल पे आके बॉल यहाँ पे लगे तो एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन एक बैटर को मिले। MRP सचिन भाई क्या है बैट की, इसकी ग्लव्स की 4469 इसकी MRP है। शीप लेदर में ये ग्लव बना हुआ है, बट अगर इसकी मैं फील की बात करूँ, एक बार डाल के देखूँ ग्लव को, मुझे बहुत 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 लाइट फीलिंग दे रहा है ग्लव। लेट मी सी द फील ऑफ द ग्लव, और सचिन भाई आप भी डाल के देखिए। बिल्कुल भाई, मैं दूसरा ग्लव उठा लिया, और एक अंदर से भी देखिए इनका जो कॉटन पैडेड है बहुत अच्छा है, और एक और इनोवेशन है यहाँ पे भी, इन्होंने अगर आप देखेंगे लेदर पे डिज़ाइन यूज़ किया जो बहुत अट्रैक्टिव एम्बॉस लग रहा है EM, उसके नीचे जो ये फुटबॉल के टाइप का ये यूज़ किया बहुत है। अच्छा, अगेन सी जब ब्रांड्स कुछ नया बनाते हैं इनोवेशन साथ लेके ही आते हैं, बट ओवर इन ऑल वर्थ फॉर मनी और प्रोटेक्शन बहुत अच्छी है। मोर ओवर एक और अच्छी चीज़ इसमें है कि डाल के ये फील नहीं हो रहा कि मैंने कुछ बहुत ही व्यूज डाल लिया, सो वेरी यू नो ब्यूटीफुल ग्लव ओवर इन ऑल। और दोस्तों ये मैं जो ग्लव मैं दिखा रहा हूँ ये है मैक्सिम 5.0 स्टार्टिंग रेंज का ग्लव है, 1679 इसका प्राइस है दोस्तों, और इसमें भी इन्होंने कोशिश ये करी कि कट फिंगर बनाए, दो थ्री कट्स नहीं आए, इसमें टू कट्स हैं, तो आप ये देख सकते हैं, और प्रोटेक्शन अच्छी है, कंफर्टेबल है ग्लव, बहुत अच्छा है। थंब में भी इन्होंने यहाँ पे एक कट दिया ताकि थंब इजीली मूव कर सके, राइट। दिखाओ भाई दिखाओ, ये लो 3819। हाँ जी, अब तो अगला जो ग्लव मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है दोस्तों GT 2.0। सो अगर हम ये देखें, ये एक जो ट्रेडिशनल शेप आती है विदाउट एनी कट फिंगर, जिसको जिस किसी प्लेयर को जो सीधे ग्लव्स डालना शुरू कर पसंद करते हैं विदाउट एनी कट, उनके लिए बहुत अच्छा ग्लव है। प्रोटेक्शन अच्छी दी हुई है इनमें, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी हुई है, जो पाम यूज़ हुआ हुआ है वो शीप लेदर में यूज़ हुआ हुआ है, और अगेन थंब में कट दिया हुआ है, और अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ आपको तो 3819 GT 2.0 3819 भाई। लास्ट ग्लव जो मेरे पास है, इस ग्लव का जो नाम है वो है, एक मैं यहाँ से देखता हूँ,
GTEM ही लिखा है इन्होंने 3.0 और इसकी MRP ग्लव की है 2119, वेरी इकोनॉमिकल भाई। और अगर मैं शेप की बात करूं, सुजी भाई जो ग्लव उठाएंगे अभी अपनी ये वाला ग्लव, हाँ जी भाई, अगर हम दोनों ग्लव्स को कंपेयर करें, शेप सेम है भाई, शेप सेम बनाई है उन्होंने, बस थोड़ा सा और इनोवेशन इसमें अगर मैं देखूं, प्लास्टोजोल अंदर इसमें भी है सचिन भाई, दोनों में तो कुछ तो क्वालिटी का डिफरेंस, क्वालिटी का डिफरेंस 100% लेदर में होगा और मोर ओवर इसके डिजाइनिंग में मोर होगा। और इधर दिखाएं जरा, तो ओवर इन ऑल हम दोनों भाई जो इतनी क्लोज से ग्लव को देख रहे हैं, हमें ऑफ कोर्स पता है कि क्या क्वालिटी में डिफरेंस है, बट अगर कोई 2200 का ग्लव भी लेना चाहता है उसमें भी मैचिंग क्वालिटी दे रहे हैं तो इट्स रियली अमेजिंग, अमेजिंग फॉर। अब क्या है भाई हमारे, अब भाई हमारे पास है लेगार्ड, मेरे पास है GT 1.0, मेरे पास क्या है भाई, आपके पास GT 2.0 है मेरे पास भाई, वाओ क्या बात है भाई। सो ये देखिए दोस्तों, ये इनकी आई थिंक हाईएस्ट रेंज है पैड में, मैं इसकी प्राइसिंग से शुरू करूंगा 4260 4259। बहुत अच्छी कुशनिंग, पीछे प्रोटेक्शन बहुत अच्छे तरीके से दी हुई है, ये देखिए आपके नी को प्रोटेक्ट करने के लिए और साइड लेग्स को या लेग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छी इन्होंने प्रोटेक्शन दी है। और वेलक्रो बहुत अच्छी हाई क्वालिटी की यूज़ हुई हुई है, जो वेलक्रो स्ट्रैप्स हैं, अगर मैं फ्रंट में बात करूँ तो यहाँ पे इन्होंने राउंड ना देके केनिंग केन डाल के इसको शार्प किया हुआ है आगे से, और बहुत अच्छी इसकी जो पैड है बहुत अच्छा हाई क्वालिटी का लेदर यूज़ हुआ है, कुछ नहीं इसमें बहुत अच्छी यूज़ हुई हुई है। और लेगर्ड्स में बेसिकली जो इनका ये 2.0 है 3529 का है, कलर कॉम्बिनेशन का डिफरेंस है, बट एट द सेम टाइम ये भी बहुत ही सेफ और बहुत ही यू नो हाई लेदर के साथ यूज हुआ हुआ लेगार्ड है। ऑफ कोर्स क्वालिटी में अंदर जो केन्स हैं या फिर इसके वेट में फ़र्क होगा दोनों पैड के, दैट्स वाइट 3529। लास्ट पैड कौन सा है भाई आपके पास, GT 3.0, ये लाइट वेट पैड है दोस्तों, बिल्कुल भी मुझे फील नहीं हो रहा उठाने में, और लेकिन प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से या कुशनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और अगर मैं इसकी प्राइस बताऊं तो 3219 इसका MRP है दोस्तों। बहुत अच्छा वेलक्रो यूज़ हुआ हुआ है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से यूज़ हुआ हुआ है, किया हुआ है इन्होंने साइड पे भी यहाँ पे एक लाइनिंग वाला डिज़ाइन देके, और ये डिज़ाइन और ये अगर आप इस बाकी दो पैड से कंपेयर करोगे तो वो ट्रेडिशनल डिज़ाइन आ गए, आजकल ये डिज़ाइन चलने भी शुरू हो गए हैं, तो ये डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लग रहा है। ओवर इन ऑल सचिन भाई मुझे लगता है आपकी भी सेम राय होगी, आई एम क्वाइट इम्प्रेस, हम दोनों भाइयों की हार्टिएस्ट विशेज एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दी EM टीम, स्पेशली टू विनीत भैया एंड देवांश, और आई नो हम दोनों की विशेज भी है और हमें पता है ये बात कि यू गाइस गोना रॉक। तो दोस्तों फटाफट से कमेंट बॉक्स में डालो आपको कैसे लगा ये EM का न्यू ब्रांड्स, और ऐसी ही और क्या वीडियोस आप देखना चाहते हैं इसके लिए हमें अपनी सजेशन दीजिए। तब तक के लिए हम दोनों भाइयों की तरफ से खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, जय हिंद।